श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 14 भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, श्लोक संख्या 44 अंतिम श्लोक, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। कच्चित् प्रेष्ठतम हे नाथ हृदय नात्म बंधुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेऽन्यथा नरूप। शब्दार्थ कच्चित् कहीं, प्रेष्ठतमेना सर्वाधिक प्रिय की, सॉरी सर्वाधिक प्रिय को, अथ मेरा भाई अर्जुन हृदयेना अत्यंत घनिष्ठ आत्मबंधुना अपने मित्र कृष्ण से, शून्य शून्य अस्मि हूँ रहितः होकर नित्यम सदा के लिए, मन्यसे तुम सोचते हो ते तुम्हारा, अन्यथा अन्यथा न कभी नहीं। रूप मानसिकता। अनुवाद अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। तात्पर्य विश्व की विसंगतियों के कारण के विषय में मारे दृष्टि की सारी जिज्ञासा का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के आधार पर लगाया गया था और अब अर्जुन की घोर निराशा के कारण उसे उन्होंने प्रकट कर दिया जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता। अतएव इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने के लिए बाध्य होना पड़ा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम शेषम अनुमपि शचीपुत्रमात्र स्वरूपं रूपं कस्याग्दानुपरिमाधुरी गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंद्यं श्रीगुरु श्रीयुत्पादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओके आज का इस अध्याय का श्लोक, आज का श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और अंतिम श्लोक में युधिष्ठिर महाराज ने अंत में पूछ ही लिया, वो जानते थे, उनको संशय था। इस अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन को भगवान का खबर अंतर पूछने के लिए द्वारका में क्या चल रहा है उसका समाचार जानने के लिए भेजा था युधिष्ठिर महाराज ने, लेकिन वो बहुत 6 महीना हो गया, बहुत समय हो गया फिर भी नहीं आए, तो उनको शंका और उसी समय अपशुकन दिख रहे थे सब, जो सब हमने आगे वर्णन देख लिया। उसके बाद जब अर्जुन आए तो बहुत उदास थे, तो युधिष्ठिर महाराज का कन्फर्म तो था, उनको संशय था कि ऐसे अपशुकन कृष्ण की उपस्थिति में नहीं हो सकते हैं। यहाँ लिखते हैं कि विश्व की विसंगतियों के कारण के विषय में महाराज युधिष्ठिर की सारी जिज्ञासा का अंदाज, मतलब जिज्ञासा क्यों कर रहे थे कि विश्व की दृष्टि से भगवान कृष्ण का अंतर्धान होने के आधार पर लगाया गया था, यानी उनको मालूम था कि कृष्ण नहीं होंगे। और अब अर्जुन की घोर निराशा के कारण उसे उन्होंने प्रकट कर दिया, क्योंकि अर्जुन
भगवान का शुद्ध भक्त, हालांकि युधिष्ठिर महाराज भी भक्त थे, लेकिन अपना हृदय से वो इस बुरे समाचार को ग्रहण नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा। बहुत सारे प्रश्न पूछे हमने, देखा एक एक प्रश्न उनके युधिष्ठिर महाराज के जिज्ञासा एकदम बहुत सुंदर, हमारे लिए बहुत ही अच्छा उपदेश देने वाली थी, सभी शिक्षा बहुत सुंदर शिक्षा है, और प्रतिदिन हमने इस शिक्षाओं को लिया है। आगे के 4-5-6 श्लोक में है, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न के रूप में अर्जुन को पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये घटना हुई क्या, तुमने कोई स्त्री को, जो चारित्र वाली स्त्री से तुमने दुर्व्यवहार किया, इत्यादि सब प्रश्न पूछे थे। वो हमें बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, और आज सीधा युधिष्ठिर महाराज ने आज के प्रश्न पूछ लिया कि तुम ये जो खालीपन अनुभव कर रहे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो। लास्ट प्रश्न उनको तो था ही, पर वो पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी युधिष्ठिर महाराज की, क्यों? एक तो अपशुकन के संकेत थे, और अभी थोड़े समय पहले ही नारद मुनि आ गए थे, नारद मुनि ने बोल तो दिया ही था, उन्होंने भी, नारद मुनि ने भी डायरेक्ट नहीं बोला कि कृष्णा अभी अंतर्दान हो गए, पर उन्होंने बोला कि आप कृष्ण के अंतर्दान होने तक आप यहाँ रहिए। हाँ, इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने के लिए बाध्य होना पड़ा, शायद नहीं गए। तो सोचिए शुद्ध भक्त की क्या हालत है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि कृष्ण के बिना ये जगत पूरा यूजलेस है, अर्थहीन है। आगे अर्जुन बताएंगे, लेकिन हमें क्या शिक्षा लेनी इस अध्याय से और इस श्लोक से कि तुम ये जो खालीपन अनुभव कर रहे हो अर्जुन, इसका तो और कोई कुछ नहीं हो सकता, एक ही कारण हो सकता है, वो है अब तुमने अपना घनिष्ठ मित्र कृष्ण को खो दिया है, और मुझे कोई कारण दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनके जीवन में इतनी समस्या आई, पूरे पांडवों के जीवन में जन्म से पिता का, पिता नहीं थे, पिता का मृत्यु, इतना समस्या आने पर भी ये इतने दुखी नहीं हुए जितने भगवान कृष्ण को खो दिया उन्होंने। आप सोचिए आज हमारे बीच में कृष्ण नहीं है, लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं, ये हमें शिक्षा लेनी है। कृष्ण के बिना या शून्योस्मि रही तो शून्योस्मि, हम शून्य हो गए। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में क्या कहते, शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। देखिए चैतन्य चरितामृत की शिक्षा, भगवत गीता की शिक्षा या भागवतम की शिक्षा, कोई भेद नहीं है, अभिन्न है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में संदेश दिया, वही संदेश चैतन्य चरितामृत में प्रैक्टिकल भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। वो ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान दिया, हाँ भगवान ने, और भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान कोई अमल में नहीं ला रहे। इसीलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और प्रैक्टिकल सिखाया है, शिक्षा प्रैक्टिकल। तो हमें श्री प्रभुपाद ने यही शिक्षा को प्रैक्टिकल करके दिया है, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो ये जो शून्यतम जगत सर्वम, हमको पूरा जगत शून्य दिखना चाहिए। अभी हम इस जगत में क्या क्यों रुके हैं, आप समझिए, हमारा स्वजन बहुत नज़दीक है, पुत्र के हाजिरी में पिताजी, पुत्र युवान हो और पिता से बहुत प्रेम और पिता का मृत्यु हो जाए तो पुत्र की क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। मैं 13 साल का था, मेरे पिताजी खो गए, चले गए, मतलब खो गए मतलब मृत्यु हो गया, छोटा सा बालक था मैं, पर मुझे इतना ज़्यादा ये नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं, पर मुझे शून्य, मतलब 3-4 दिन सोता हूँ तो पिताजी का स्वप्न आता है
और उठा होने ही नहीं, वो कहीं नहीं गए, इधर ही हो गए, ऐसा ये होता है। आप सोचिए, तो एक जीवात्मा से हमारा संबंध होता है तो थोड़े समय के लिए बनता है, 15-11 साल का संबंध, 11-13 साल का संबंध, कितना गाढ़ हो जाता है। तो सोचिए, हम तो कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध है, शाश्वत। कभी कृष्ण हमसे दूर नहीं रहते, फिर भी हमको कृष्ण का विरह नहीं आता है। और ये शुद्ध भक्ति में, विरह में सेवा कृष्ण की करना, वो सर्वोत्तम भक्ति है। हम लोग कृष्ण के लिए पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कृष्ण का भक्त कृष्ण के लिए सेवा करते हैं कृष्ण के बिना, यानी उनके उपदेश का प्रचार करता है, लोगों को कृष्ण भक्त बनाता है। ये विरह में सेवा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, तो उन्होंने सनातन, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, इन सबको भेजा, आप जाओ वृंदावन में और पुस्तकें लिखो। आज उनके ही कारण हमको इतने आध्यात्मिक खजाना मिला है। तो चैतन्य महाप्रभु की वीरा में वो सेवा करते थे वहाँ वृंदावन में। तो आज हमारे बीच में कृष्ण नहीं भी और है भी। नहीं कैसे? अपने रूप से, सच्चिदानंद रूप से नहीं है, लेकिन नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान कृष्ण अपने नाम में हाजिर है। तो हम जब भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब अर्जुन, अभी सोचिए अर्जुन के भगवान चले गए, अभी आगे आएगा, तो अर्जुन को कितना दुख हुआ, हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग भगवान के साथ सोते बैठे, अर्जुन विशेष करके, अर्जुन कभी भी कृष्ण से अलग नहीं हुए। हाँ, कृष्ण द्वारका में थे तब, जब यहाँ थे, कृष्ण और अर्जुन साथ में रहते, सोते बैठते। सोचिए, दो घनिष्ठ, दो मित्र होते हैं, जैसे विशेष करके लड़कियों की, दो लड़के की मित्र होती है, तो एक साथ में बैठ के ही प्रसाद लेना, हाथ में हाथ रखना, लड़कियों का खास ऐसा होता है, एकदम घनिष्ठ मित्रता होती है। लड़के का भी होते हैं, लेकिन अभी लड़के का कोई मित्र नहीं है, लड़के का मित्र एक ही है, हाँ, इंटरनेट मोबाइल, अभी उनका कोई मित्र नहीं है। तो घनिष्ठ मित्र, और कुछ उस टाइम और कुछ करने का होता ही नहीं था। चलो भाई, आज सीरियल आती है, किसी का व्हाट्सएप आएगा, इंस्टाग्राम आएगा, कोई टेंशन नहीं था, सिर्फ कृष्ण अर्जुन, हाँ, दोनों। सोचिए कितनी घनिष्ठता। तो हमें यही स्मरण, इन दोनों का स्मरण करके हमें अपने आप को सिखाना है कि हमारा भी कृष्ण के साथ ऐसा संबंध था, अभी हम भूल गए, कृष्ण नहीं भूले। कैसे कृष्ण नहीं भूले? कृष्ण की कृपा से आज हम भक्ति में आए, और कृष्ण हमको भक्ति में आगे बढ़ा रहे, उनकी ओर आगे खींच रहे, इसीलिए कृष्ण खड़े हैं यहाँ हमको खींचने के लिए, हमको दर्शन देने के लिए। चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ, नाहम नाम वसामि वैकुंठे, हाँ, योगी नाम हृदयेश वा यत्र तत्र तिष्ठामि गाय, तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मदभक्ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं, मंगल आरती से लेकर गुरु पूजा में, या अभी हम नगर संकीर्तन में किया, यानी कृष्ण हमारे साथ है, साथ है। इसीलिए देखिए, जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हम प्रफुल्लित रहते हैं। भक्ति में कितना भी विघ्न क्यों ना है, कितने भी हमें ये है, हमें प्रफुल्लित रहते, अगर नहीं रहते तो रहना चाहिए प्रफुल्लित, क्योंकि हमारे एकमात्र आधार कृष्ण है। सम्राट युधिष्ठिर महाराज, सम्राट, कोई अभाव नहीं, उनका राज्य समुद्र में भी चलता था। सोचिए, पूरे पृथ्वी, आज जो पृथ्वी है उससे भी ज़्यादा उनका साम्राज्य था, क्योंकि आज तो पृथ्वी के बहुत सारे भाग में लोग नहीं जानते नहीं है क्या है ये पृथ्वी, कोई इतना ही नहीं, अमेरिका, रशिया, ये सब, समुद्र में भी कितना है, समुद्र में भी बसते हैं लोग। इस सब पे युधिष्ठिर महाराज का राज्य था। वो आज भगवान की अनुपस्थिति में कितना गहरा शोक
प्रकट कर रहे हैं। तो हमें इस प्रकार वीरा करना चाहिए कि हम कृष्ण के बिना कैसे सांस लेते हैं, हाँ, कृष्ण के बिना यानी कृष्ण की भक्ति के बिना। ये पूरा जो लक्षण है, अक्षुकन के लक्षण दिखे, वो सब लक्षण और अर्जुन को जो प्रश्न किए युधिष्ठिर महाराज ने, जो भी बहुत सुंदर प्रश्न किए, क्या तुमने उन वृद्ध तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? आज वृद्ध और बालक को निग्लेक्ट होते हैं। वृद्ध को, ए बूढ़ा चल उधर बैठ कर खाना खा ले। ये सब शिष्टाचार बहुत सुंदर सीखा है और मैंने इसमें ज़्यादा आगे के सब श्लोकों में मैंने विस्तृत इसकी व्याख्या की है, इस पर डिस्कस किया, आप सुन लेना। तो आज कलयुग का पूरा लक्षण प्रकट है क्योंकि कृष्ण नहीं है। हम चारों ओर एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, हाँ ये सब यही चल रहा है, अपशुकन सब है। तो हम इन अपशुकन को देखकर हमें भगवान का आभार मानना चाहिए कि कम से कम हम लोगों को भक्ति देकर हम इस कलयुग के असर से निकल सकते हैं। इसलिए हमें आभार मानना चाहिए भगवान का कि हमें एक महान पंथ मिला है, महान मौका मिला है, हाँ? नहीं तो इसीलिए हम लोग ये शोक कर रहे हैं कि हमारे बीच में कृष्ण नहीं है। हमें ये वीरा होना चाहिए। हम किस प्रकार कृष्ण के बिना खाते हैं? इसीलिए हम जब प्रसाद लेते हैं तो हम बोलते हैं ना, भगवान का आभार मानते हैं, शरीर अविद्या जले, अविद्या का शरीर बना हुआ है, हाँ? जड़ इंद्रिय ताहे काल, जड़ इंद्रिय है, सब इंद्रिय जड़ है, उसको क्या चाहिए? इंद्रिय तृप्ति चाहिए। जड़ेन्द्रिय ताहे काल, तार मिध्य जीवा अति लोभमय, हमारी जीवा, ये हमको जीवा सब परेशान करती है। सुदूरमति, सुदूरमति मति, उसकी दूरमति नहीं है, वो सिर्फ हमको उसकी मति यानी इसका ये चित्त अच्छा नहीं है। सुदूरमति ताके जिता कठिन संसार, ये संसार दावानल, इसको पार होना मुश्किल है, लेकिन कृष्ण बड़ो दयामय, ये बहुत दयालु है कृष्ण। करीवारे जीवा जय, जीवा को जय करना है तो दो स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, हमको स्वप्रसाद अन्न दिया है, हम स्वप्रसाद, कृष्ण ने अपना प्रसाद दिया है। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण प्रसाद का वर्णन है, भगवान की होष्ठ का जो मधुर अमृत से भी, अमृत को भी हराते इतना भगवान का होष्ठ का स्वाद है, और वो हमको इस प्रसाद में दिया है। हाँ, स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्नामृत पाओ, शिष्य राधा कृष्ण गुण गाओ। तो जब हमको प्रसाद मिलता है तो हमें कृष्ण का, इसीलिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम तो अज्ञान के समुद्र में गिरे हुए हैं, हमारा शरीर भी अज्ञानी है, बड़ा हमको बांधने वाला शरीर है, लेकिन कृष्ण की सेवा, प्रसाद सेवा से हम छूट सकते हैं, कृष्ण के नाम संकीर्तन से हम छूट सकते हैं इस अविद्या जाल से। तो हमें इस प्रकार भगवान के वीरा में, हमें भक्ति में कभी भी चूक नहीं होना है, हमारा पतन नहीं होना चाहिए। कम से कम 16 माला रोज होनी चाहिए, प्रभुपाद की बुक्स का रीडिंग रोज होना चाहिए, रोज मंगल आरती होनी चाहिए, नहीं तो हमारी हालत युधिष्ठिर महाराज जैसी होगी। अभी हमको नहीं ऐसी तो होना, तो ये तो बहुत उच्च अवस्था है, हमारी हालत ऐसी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमको अभी इंद्रिय तृप्ति में रुचि है। यहाँ जैसा सुना अर्जुन, अभी तो उन्होंने शंका व्यक्त की, जैसे अर्जुन सुनेगा फिर आप सुनना युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं, आगे आएगा 15वें अध्याय में। तो हमारा ये वीरा होना चाहिए, कृष्ण आपके बिना वास्तव में हमको शून्य दिखता है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था कि जब पिताजी मेरे गुजर गए तो किसी चीज में मन नहीं लगता था। हमारे ऐसा स्वजन चले जाते हैं तो हमारा खाना पीना कुछ नहीं, इसीलिए सुतक है ना, जो सुतक किस लिए है कि उस टाइम ट्रोमा में होते हम, अभी तो भाई मर गया, ओ अच्छा मर गया, अच्छा हुआ मर गया, ऐसा होता है। स्वजन जाता है, दुख नहीं होता है, अभी हम जड़ हो गए, जड़। फोन करेंगे, भाई कितना दिन सुतक करना है,
अरे भाई वो गए हैं, तुम्हारे साथ पूरा संबंध था, तुम्हारा पिताजी तुमको बड़ा किया और तुमको आज इतना तुम्हारी रक्षा की और आज बोल रहे हो चलो गए हो अच्छा हुआ। सोचिए हम कितने जड़ हो गए। इसलिए सूतक की विधि है कि उसमें बैठो, ट्रोमा हमारा मानसिक डिप्रेशन होता है उस टाइम, ओ चले गए, तो उस टाइम भगवत गीता, गरुड़ पुराण, भगवान का नाम, उसमें से हमें सांत्वन प्राप्त करना है, जैसे अर्जुन प्राप्त कर रहा था, आगे देखेंगे हम। तो हमें ये वीरो होना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण हमारे साथ नहीं है, यही शिक्षा इसमें है। जैसे कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र कृष्ण को खो दिया, और हमने तो खो दिया, हमने वास्तव में खो दिया भगवान को, हम भगवान के साथ थे, आ गए इधर। जैसे मैंने बताया था जय विजय, जय विजय का जब पतन होता है, जब उन्होंने चार कुमारों का इंसल्ट किया, अपमान किया, फिर उन्होंने श्राप दिया, तो इतना दुख सहन कर रहे थे, वो भगवान को प्रार्थना की कि भगवान हमने ये अपराध किया इसलिए आप सजा दीजिए, लेकिन हम कभी भी आपका विस्मरण नहीं करिए कर सके, आपको भूले नहीं, वो हमको वरदान दीजिए। देखिए लेकिन हम कंप्लीट भूल गए भगवान को, जल्दी हमारा माला हो जाए, जल्दी हम घर भागे, जल्दी हम इंद्रिय तृप्ति करें, हम भूल गए कृष्ण को। कृष्ण को भूलना नहीं है, कृष्ण का स्मरण, पुनः स्मरण करना है। इसलिए हमारी जो भी सेवा होती है, नाम लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, सब समय कृष्ण का स्मरण करना चाहिए हमको। कृष्ण के बिना हम कैसे जी रहे, कैसे सांस ले रहे, ऐसा हमें स्मरण करना चाहिए, तो हमारा परम कल्याण होगा। यही बात इसमें है, हम रिक्त अनुभव, खाली, आज खालीपना अनुभव कर रहे हम, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं तुमको आज घूमने ले जाऊं, नहीं, खालीपना है हृदय में, ऐसा हमें अनुभव होना चाहिए कृष्ण के बिना, तो हमारा जीवन और आएगा, ऐसा अनुभव होगा, रातों रात नहीं होगा कोई भी चीज, प्रयास करना, पर कम से कम प्रयास करना है, गंभीरता से, दृढ़ता से, दृढ़ बन के हमको प्रयास करना है, नहीं मैं कृष्ण भक्ति करूंगा जीवन के अंत तक, कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, यह हमारा दृढ़ प्रयास होना चाहिए। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।